यंग लोग हैं उनसे मुझे भी बहुत होप है मुझे लगता है कि वो कैसी दुनिया में उन लोगों ने आँख खोली है जहाँ पर वो पूरी दुनिया के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं यानी वो पूरी दुनिया में डाइवर्सिटी भी देख रहे हैं वहाँ की इंक्लूसिवनेस को भी देख रहे हैं उनके पास चॉइस है कि जो उनको रियासत दिखा रही है या उनको पढ़ाना चाहती है दे कैन यू नो वहाँ से वो अपने लिए सोशल मीडिया पे उनके डिफरेंट जो इंटरनेट का एक्सेस है कैन चूज कि नहीं, नहीं मुझे ये नहीं चाहिए मुझे तो ये दुनिया में तो ये चीज सिखाई जा रही है आपको मालूम है कि वेमेन हेडेड हाउस होल्ड बढ़ते जा रहे हैं पाकिस्तान में मर्द या तो दुबई चले गए और या पाकिस्तान में नशाई हैं और काम नहीं करते <laughs> नहीं मैं मैं मजाक नहीं कर रही औरतें और, तो नशे ही बहुत कम है आ, और औरतें विमेन हेडेड है हाउसहोल्ड्स हैं लेकिन उनके पास ना ना एसेट्स ना कोलेक्शन ना ना लोन की 60 से लेके 70 फीसद पाकिस्तान की आबादी की लकीर के नीचे है 70 फीसद भूख का शिकार है 25 मिलियन बच्चे और बच्चियां स्कूल नहीं जा रहे जिसमें से 70% फीसद लड़कियां हैं okay. थ्री आउट ऑफ फोर पचहत्तर फीसद गरीब हुँ. लोगों में औरतों की गुर्बत है इसको अंग्रेजी जुबान में बाकायदा एक टर्म है जिसको फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी कहते हैं। पाकिस्तान में एक ओवरऑल जबर मौजूद है औरतों पर डबल जबर है क्योंकि एक पेट्रियार्कल सिस्टम है।, है एक ट्राइबल सिस्टम है जहाँ पे और एक मजहबी निज़ाम है जो हमेशा से चाहे दुनिया में देखें अगर डार डार के जिसमें यूरोप में क्रिश्चियनिटी थी तब भी के औरतों को विच हंटिंग के नाम पे मारा जाता था इसी तरह हमारे यहाँ भी एक खतरनाक नेक्सस है मजहबी जुनूनीत और ट्राइबल वैल्यूज का जो दोनों और करते हैं खड़े होने की यूं खाप करने की जगह नहीं होगी आपको पता है इतनी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन हो जाएगी खाना पीना तो अलग छोड़ो रोज़गार के मौा अलग छोड़ो तालीम और सेहत के मौाक़ अलग छोड़ दो हम एक दूसरे को काट काट कर खाएंगे जैसे दयामेर के अंदर पिछले दिनों मेरा जाना हुआ वहाँ पे आपको पता है कि औरतों का बाहर निकलना यू नो you know, वो एक बड़ा टैबू है तो एक चीज़ मुझे सुन के बहुत खुशी उन्होंने कहा कि यहाँ पे ना औरतें अपने जो कैश ट्रांसफ़र है उसके लिए आती है उसके लिए उनको अलाउ है कि क्योंकि उसमें बायोमेट्रिक है और है। उसमें और, औरत नहीं आके रिसीव करने तो बैंक के अंदर औरत नहीं जा सकती ए टी यूज़ नहीं कर सकती लेकिन बिस्ब का जो प्रोग्राम है उसका जो कैश रिसीव करने के लिए वो जाती है हाल ही में एक थिंक uh, टैंक एक इकोनॉमिक थिंक टैंक जो कि पूरी दुनिया में मशहूर है पाकिस्तानी है उन्होंने एक रिपोर्ट लॉन्च की इकोनॉमिक रिफॉर्म मैनिफेस्टो का एजेंडा दस चैप्टर्स थे उसके दुनिया की हर चीज़ उसके अंदर मौजूद थी अगर नहीं मौजूद थी तो गुरबत का कोई सेक्शन मौजूद नहीं था yes. सलाम दोस्तों वेलकम टू द अदर साइड आज के शो में मैं ज्वाइन करी है ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा ह्यूमन राइट्स डिफ़ेंडर हैं और इनकी विमेन राइट्स पे ह्यूमन राइट्स पे पाकिस्तान के अंदर बहुत कंट्रीब्यूशनस हैं साथ में आमिर हुसैन भाई है और ये डेवलपमेंट प्रोफेशनल है प्रोटेशनल <laughs> है प्रोफेशनल है तो वेलकम थैंक यू बहुत Thank बहुत, बहुत शुक्रिया शो पे आने के लिए uh, आज का जो टॉपिक है uh, उसको हम वैसे तो पावर्टी को पाकिस्तान का एक बुनियादी मसला उसको इस तरह से डिस्कस करेंगे शुरू से अब तक और uh, फिर उसमें ख़वात किस तरह से इंपैक्ट होती है क्या वो <coughs> जिस तरह से इम्पैक्ट होती का क्या वो कहीं रिकॉर्ड होता है आ, उसके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे तो तायरा साहिबा या तायरा आपा मैं आपसे डिस्कशन स्टार्ट करूँगी बल्कि आपने आ, सेवरल आर्टिकल्स लिखी हैं डॉन के अंदर भी है द नैरेटिव के अंदर है, है और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे Uh, कुछ मैं पढ़ रही थी रात को और uh, आपका टेक बड़ा इंटरेस्टिंग है एक तो uh, जिस तरह से uh, वुमेन का डेटा मिसिंग है जब हम पावर्टी को रिकॉर्ड करते हैं uh, जिसको हम सेक्स डी डेटा है वो कहीं नज़र नहीं आता इसकी क्या वजूहत है और ये किस तरह से फिर ख़ुत को इंपैक्ट करती है डाउन द लाइन आपका बहुत बहुत शुक्रिया आई का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आपने दावत दी मधु किया आज मेरे लिए ये बायस एज़ाज़ है और मैं पहले भी आपके साथ बैठ चुकी हूँ और हम लोग गुफ्तु कर चुके हैं जो मुझे बहुत अच्छी तरह याद है और वो गहमा गहम बहस गर्मा गर्म और बहुत एक बहस थी आज हम एक बहुत ही मैं समझती हूँ आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मैं इतना अहम मौजो जो कि बिल्कुल खामोशी है जिसके बारे में जिस तरह ख़वा कुछ इलाक़ों पाकिस्तान के कुछ ऐसे इलाक़े हैं जहाँ पर ख़ात मैं अगर जिक्र करूँ दियामर का तो आप बुरा नहीं मानेंगी आ, बिल्कुल इन्विज़िबल है नज़र नहीं आना बोलना नहीं है स्कूल नहीं जाना पढ़ाई नहीं करनी मुलाज़मत नहीं करनी इसी तरह गुरबत एक ऐसा मसला है पाकिस्तान का हाल ही में एक थिंक टैंक एक इकोनॉमिक थिंक टैंक जो कि पूरी दुनिया में मशहूर है पाकिस्तानी है उन्होंने एक रिपोर्ट लॉन्च की इकोनॉमिक रिफॉर्म मैनिफेस्टो का एजेंडा दस चैप्टर्स थे उसके दुनिया की हर चीज उसके अंदर मौजूद थी अगर नहीं मौजूद थी तो गुर्बत का कोई सेक्शन मौजूद नहीं था जिस मुल्क में सड़सठ सिक्स परसेंट आबादी गुर्बत की लकीर के नीचे है जहां पर सत्तर फीसद भूख का शिकार है हालांकि हम गला भी पैदा करते हैं और गंदम भी और चावल भी और शक्कर भी और सब्जियां भी और सब कुछ पैदा करने के बावजूद हम अगर भूख का शिकार है तो हुजूर फिर कोई ना कोई गलती कहीं ना कहीं तो है।, है जिसको आप अगर टेबल के नीचे करना चाहते हैं आप कीजिए हम नहीं करेंगे हम बात करेंगे जो अहम चीजें हैं उनकी बात करेंगे और फिर गुरबत की शरह तो जो है सो है आप हर साल निकालते हैं आपसे मुराद हुकूमत रियासत हर साल बजट आना चाहिए मई जून के महीने में क्योंकि यकम जुलाई से नया माली साल फिजिकल ईयर शुरू हो जाता है तो उससे पहले बजट आता है जो कि पार्लियमान में पेश होता है बजट के पेश होने से पहले पार्लियामान में पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाता है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक अफेयर्स उसको बनाता है लफ्स बनाता मैंने क्यों इस्तेमाल किया क्योंकि जिस तरह एक तस्वीर बनती है एक पेंटिंग बनती है उसी तरह पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे तख्लीक किया जाता है उसमें फिगर्स फज होते हैं सही आदाद व शुमार और डेटा नहीं बताया जाता मैं आपको अगर कहूं अर्ज करने की कोशिश करूं कि सड़सठ से लेकर सत्तर फीसद पाकिस्तान की आबादी गुरबत की लकीर के नीचे है सत्तर फीसद भूख का शिकार है पच्चीस मिलियन बच्चे और बच्चियां स्कूल नहीं जा रहे जिसमें से सत्तर फीसद लड़कियां हैं और ये जो गुरबत की शराह है इसमें तीन चौथाई औरतें हैं यानी उ थ्री आउट ऑफ फोर, फोर पचहत्तर फीसद गरीब लोगों में औरतों की गुर्बत है आ, इसको अंग्रेजी जुबान में बाकायदा एक टर्म है जिसको फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी कहते हैं मुझे बताइए कि आपकी हकूमत में चाहे मरकजी हुकूमत हो सूबाई हुकूमत हो गिलगित बल्तिसान की लेजिस्टिव असम्बली हो हकूमत हो कौन कौन इन चीजों पर गौर कर रहा है कौन इन चीजों पर फोकस कर रहा है कौन इन चीजों को तरजीह दे रहा है प्रायोरिटाइजेशन कौन कर रहा है कि हाँ ये हमारे मुल्क के बहुत बहुत गंभीर मसाइल हैं बहुत अहम मसला है नहीं हल होगी तो आप बाकी चीजें क्या करेंगे आप सी पैक बना लें या ग्वादर टू टू आ, खुंजराब एक आप एक बना लें जाके सड़क बना लें सड़क को मैंने अचार डालना है सड़क को मैं खा सकती हूँ वहां से मुझे गंदम मिलेगी right. आप लोगों का तो वीट प्राइस सपोर्ट प्राइस का मसला है वीट सपोर्ट प्राइस की सब्सिडी खत्म कर दी है लानत है उस आईएमएफ लोन uh, की और स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम की और कंडीशनैलिटीज की उन तमाम शराय की जिन पर आपके गरीब पिस रहे हैं और जिस मुल्क में एग्रीकल्चर इनकम टैक्स ना फेडरल गवर्नमेंट ना नकूमतें लागू नहीं करती क्यों क्योंकि इनकम टैक्स तो अमीरों पे लागू होना है ना स्मॉल फार्मर्स तीन एकड़ पांच एकड़ वाले छोटे छोटे किसानों के ऊपर तो नहीं लागू होना था देखिए इनकम टैक्स लागू करना है पार्लियामान ने पार्लियम में कौन मेंबर आन बैठे हैं वो जो कि बड़े जागीरदार हैं हैं जो इनकम टैक्स अदा नहीं करते उनको पता है कि उनका टैक्स भी उतना ही बड़ा होगा उनको पता है कि अगर हम एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लागू कर देंगे तो ये मुझ पर आएगा मुझ पर आएगा ये मेरी जागीर है खबरदार जो किसी ने एग्रीकल्चर इनकम टैक्स मुझ पर वो छोटा मोटा सा ब, 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 मुंह को बंद करने के लिए छोटे मोटे से अभियाना दे दिया या फला दे दिया उसके नाम भी अजीब है उससे भी निकलने के लिए इन्होंने लीगल लूप होल्स बनाए हुए हैं कि जमीन को अपने हर रिश्तेदार के नाम पर बांट के रखो ताकि ये ना लगे कि सिर्फ मैं मालिक हूं मत मुझे शुरू करवा दें क्योंकि वरना चार पांच घंटे <laughs> तो सिर्फ हम रोना ही रोते रहेंगे वे फॉरवर्ड पे नहीं पहुंच सके <laughs> आप जिस तरह बोल, बोल रही है जिस जज्बात के साथ मेरे कि ये हर एक पाकिस्तानी के जज्बात है जी, जब हमें नजर आ रहा है कि पावर्टी को किस तरह से डाउन प्ले किया जाता है इग्नोर सॉरी सॉरी मैंने मैंने बात sorry, बात वेरी शुरू की थी पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे से जनरल मुशर्रफ जब सदर पाकिस्तान था और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी था और बहुत कुछ और भी था ये आप और मैं गुफ्तु इस पे पहले उस वक्त उसने उसका जो इम्पोर्टेड प्राइम मिनिस्टर था सिटी बैंक न्यूयॉर्क से शौकत अजीज जो कि फाइनेंस मिनिस्टर भी बयक वक़्त था उन्होंने 2005 में एक मजमूम साजिश की कि गुरबत की शरह को कम दिखाएंगे बक जुम्ब कलम उन्होंने आधी कर दी अब ओवरनाइट नाइट ये पॉवर्टी है ये हुँ। कोई गुरबत है ये इकोनॉमिक्स है ये ये एक साइंस है ये एक साइंस है इसको पढ़ते हुए लोग पंद्रह पंद्रह बीस बीस पच्चीस पच्चीस साल सिर्फ पढ़ाई लिखाई में गुजार देते दे हैं इकोनॉमिक्स की पढ़ाई लिखाई आप होते कौन है कि आप भैया जुम्बेश कलम आपने रातों रात ग़ुरबत की शरह कम कर दी और उस पर इतनी ले दे हुई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्योंकि ये मिनिस्टर था शौकत अजीज़ और ये बैंकर था सिटी बैंक का न्यूयॉर्क का इंपॉर्टेंट दरामद शुदा थोड़े अरसे के लिए आया शेरवानी बनाई हलफ लिया <laughs> और फिर फिर सूटकेस पैक किया और वापस चला गया अपने पेंट हाउस स्वीट में आपको मालूम है कि इतना शोर मचा हम जैसे लोग खामोश रहने वाले नहीं थे पब्लिकली आर्टिकल्स लिखे गए अखबारों में टेलीविजन पे प्रोग्राम हुए कॉन्फ्रेंसें हुई सेमिनार हुए <coughs> उसके बाद क्या हुआ कि चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द प्लानिंग कमीशन ने दस्तखत करने से इनकार कर दिए कि यह गलत शुमार है मैं इसको नहीं मानता यह मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने हमें भेजा है इसको एंडोर्स करने के लिए हम नहीं करते उसको फिर अपना छोड़ना पड़ा और वो दिन और आज का दिन 2005 और 6 से लेके आज का दिन 2024 मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक अफेयर्स पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे में गुरबत का चैप्टर है ही है नहीं लेकिन hmm. exactly. निकाल दिया गया लेकिन एक चीज़ है कि हाँ. हमारे पास गरीबों के लिए कैश ट्रांसफर प्रोग्राम्स तो है ना जो हुकूमत क्लेम करती है कि देखें हाँ. हमने जो है हाँ. प्रोग्राम्स निकाली है जो कि ग्रास रूट के जो या फिर जो हमारे जिनके लिए एक वर्ड यूज करते हैं हाँ. कि अल्ट्रा पुअर जो कम्युनिटीज़ है या पॉपुलेशन है उनके लिए हमने कैश ट्रांसफर के प्रोग्राम्स निकाले जिस तरह बिस्प है एहसास You know, जी जी सेम थिंग तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं आमिर भाई कि कितना एक्टिव एक है ये और कितना आप इसको देखते हैं जी जैसे उन्होंने कहा कि बहुत जबरदस्त उन्होंने फैक्ट्स एंड फिगर्स भी हमारे तो साथ तो तो शेयर किए बुनियादी तौर पे ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है इनकम सपोर्ट प्रोग्राम नॉट पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम पहली बात तो ये बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि जो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है इस बात पे इस बात पे उनकी बुनियाद रखी जाती है कि हम मुल्क के अंदर माशी तरक्की कर नहीं पाए और माशी तरक्की के जो फवाद हैं वो आम आदमी तक हम पहुंचा नहीं सकते लिहाजा उनको हम थोड़ी बहुत खैरत दे दें ताकि वो उनकी ज़िंदगी चलती रहे चैरिटी चैरिटी दिस इज़ काइंड ऑफ़ चैरिटी अब इसका जो मसला होता है ये बहुत ही पोलिटिकली मोटिवेट चैरिटी होती है हर हुकूमत में आप देखें आ, कोई भी हुकूमत सियासी हुकूमत आती है या डिक्टेटर्स आते हैं तो वो इन प्रोग्राम्स को अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल करते रहे वोट वोट कलेक्शन रहेंट ऑफिंग या बिल्कुल अब इसमें हुआ ये है कि क्योंकि ये जो बिश का जो नेशनल सोशो इकोनॉमिक रजिस्टर प्रोग्राम था उसको मैंने लीड किया था एज ए टीम लीडर एक उसमें तो मुझे अंदर का पता है कि हाउ डेटा इज बींग कलेक्टेड मैंने कहा मैं इस तरह फर्स्ट माफ़ कीजिएगा और ये इन्होने बेसिकली uh, होता ये कि देखें डेटा कलेक्शन इट्स पोलिटिकल इन नेचर की आप डेटा कलेक्शन का प्रीमाइज क्या सेट करते हैं यानी कि आपने एक डेटा जब हमने जो एन एस सी आर था या कौमी खुशहाली सर्वे इसको कहा जाता था तो उसके अंदर एक पूरी जदीद टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कराई गई कि हर सर्वेयर को एनमिनेटर्स को वो, वो दिए गए टैबलेट्स हाँ, दिए हाँ, गए और बेचारे हाँ. वो घूमे फिर रहे हैं बलूचिस्तान में कहीं सिग्नल्स नहीं है के पी में कहीं कोई एन ओ सी नहीं मिल रही है नहीं मिल बैटरी नहीं मिल रही, बिजली रही है नहीं बिजली मिल नहीं, नहीं रही है इंटरनेट कनेक्टिविटी के इशू है तो हुआ ये कि अल्टीमेटली फिर उनको ये कहा गया जो एक गरीब लिस्टर या जो होता था उसको एक फॉर्म के मेरे ख्याल में कोई बीस रुपये मिलते थे अब उसका टारगेट होता था दस पंद्रह फार्म करने का तो वो बेचारे कुछ पैसा कमाने के लिए बहुत सारे घरों को मार्च करते थे आपस में बिकॉज ड्राइव यू नो और जो लोग ऊपर बैठे थे जो यानी डैशबोर्ड पे बैठ के सारा सर्वे देखते हैं उनका जो बुनियादी वो था कि उनके सैलरी से तीन चार लाख पाँच लाख सैलरी ले जो असल सर्वे कर रहा होता है वो बेचारे बीस रुपये में एक फॉर्म फिल कर उसके लिए भी इशूज आ रहे हैं कभी इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो नहीं, रहा है तो अल्टीमेटली ये हुआ कि बहुत सारे जगहों पर जहां जहाँ उन्होंने एक घर को करना था उसने एक घर को तीन चार कर दिया बाईफर्कट कर दिया इन ऑर्डर टू मीट द टारगेट राइट शॉकिंग 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 बिकॉज ये स्ट्रक्चरल इशू है ना ये इस सर्वे का एक तो ये है कि डेटा की रिलायबिलिटी इस पूरे सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम का इसको हमें देखना है कि इसको कैसे बेहतर किया जाए पॉलिटिकल मोटिव उसके अलावा जैसे मैडम ने कहा कि देखें एक जो सबसे बड़ा इशू है غربत का غربत क्यों कम नहीं हो रही है एक बुनियादी सवाल है हम सब पूछते हैं बढ़ क्यों रही है और दिन-बदिन इसमें इजाफा हो रहा है देखिए दो तरीके हैं आपका मुल्क के अंदर आपकी पैदावारी सलायत और आपके اخراجات में जब तक توازن نہیں ہوگا यानी जितना मैं पैदा करता हूँ एज ए मल्क उससे ज़्यादा मैं ख़र्चे करूँगा तो मैं कहाँ से करूँगा मुझे तो कर्जे लेने पड़ेंगे सही और सही। वो जो खर्च जो मैं पैदा कर रहा हूँ उसका बहुत बड़ा अस्सी फीसद चंगसरुभ पाँच परसेंट लोगों तक महदूद हो जिसको इलिट कैप्चर कहा जाता है आलमी दारू ने भी अभी कहा कि पाकिस्तान की इकानमी इस तरह चल नहीं सकती इलीट कैप्चर है इसमें वर्ल्ड वो बैंक ने पिछले साल अगस्त के महीने में रिपोर्ट निकाली जो कि सितंबर 2023 exactly. में शाया हुई थी जो जबान उन्होंने इस्तेमाल की है पाकिस्तान के इलीट कैप्चर के बारे में लेकिन सवाल ये पैदा होता है हमें साहब कि ये आज क्यों जबान इस्तेमाल कर रहा है वर्ल्ड बैंक ये दस साल चालीस साल, साल पहले क्यों नहीं ये जबान इस्तेमाल क्योंकि सियासी तौर आपको हमारी जरूरत थी सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में मौजूद था और आपको पाकिस्तान की जरूरत थी मेरे ख्याल में ये भी लेकिन हमारा हमारी अपनी नालैकियाँ भी तो बहुत है ना बस जैसे अभी डॉक्टर कैसर बंगाली ने कहा था द हमारी जो इकोनॉमिक विंडो क्लोज हो चुकी है सो वी आर इन पोजिशन जहाँ से रिवाइवल बहुत मुश्किल है क्योंकि देखें हम अपने पब्लिक एक्सपेंडिचर को फाइनेंस करने के लिए कर्जे लेते हैं और कर्जे की एक किस्त को वापस करने के लिए इंटरेस्ट को वापस करने के लिए कर्ज़े ले रहे हैं ठीक है सो और so, और हमारे एक्सपोर्ट इस वक्त श्रिंक हो के पच्चीस बिलियन डॉलर रह गए बांग्लादेश इज़ नाउ इट्स सेवेंटी फाइव एटी बिलियन डॉलर हमारे बाद आज़ाद हुआ सेवेंटी वन में हम उसको कहते हैं टक्का वाले लोग हैं अब वो टक्का हमारे तीन चार रुपए के बराबर एक टक्का हो गया है तो आप अंदाज़ा लगाएं हमारे साथ जिन लोगों ने अपने सफ़र का आगाज़ किया जिन ममालिक में चाइना है नाइनटीन कोरिया नाइन है कोरिया है कोरिया को कह कहा जाता है कि पाकिस्तान एक ज़माने में उसकी इमदाद करता था अच्छा जी इसी तरह बांग्लादेश हमारे सामने है अफगानिस्तान को भी डायरेक्शन मिल गया हम जो है ना सरा में घूम रहे अच्छा जो है ना सवा, स, आ, सवाल ये है ना कि आप सही कह रहे हैं कि नेशनल प्रायोरिटीज को सेट करना बहुत ज़रूरी है कि इनकम सपोर्ट या चैरिटी से तरक्की नहीं होगी यू हैव टू क्रिएट ए मेक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और उसके लिए आपको अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है आप में यानी पाकिस्तान में चार मौसम हैं बेहतरीन एग्रीकल्चर हो सकता है बेहतरीन पोटेंशियल है मादिनियात का बेहतरीन पोटेंशियल हाइड्रो पावर जनरेशन का अल्टरनेट एनर्जी का टूरिज्म का यानी दुनिया के जो बड़े बड़े सेक्टर हैं वो इस मुल्क के अंदर इसका बहुत पोटेंशल है लेकिन हम करना नहीं चाहते हम एक नेशनल सिक्योरिटी स्टेट बन गए हैं हम सोशल सिक्योरिटी स्टेट नहीं है जब हम अपने उस पूरे पैराडाइम को चेंज करेंगे यानी वी थिंक दैट वी आर ए नेशनल स्टेट सोशल सिक्योरिटी स्टेट जहाँ लोगों की सिटीजनस की वेलफेयर और तरक्की का आपस में चोले दामन का साथ होगा तो फिर हमें कोई राह नज़र आएगी फ़िलहाल तो ये मायूसी है और अगर जो लोग इस मायूसी के ज़िम्मेदार हैं उनको अक्ल नहीं आएगी तो उनको ये समझना चाहिए कि इट इज़ नो बी टू लेट फॉर देम एज वेल बहुत मुश्किल हालात अच्छा ये जो अगेन आई कम बैक टू द बेस्ट दस को दोबारा से थोड़ा मैं इसमें एक सिल्वर लाइनिंग जरूर देखती हूँ कि जैसे दयामेर के अंदर पिछले दिनों मेरा जाना हुआ वहाँ पे आ, आपको पता है कि औरतों का बाहर निकलना यू नो you know, वो एक आ, बड़ा टैबू है तो एक चीज़ मुझे सुन के बहुत खुशी उन्होंने कहा कि यहाँ पे ना औरतें अपने जो कैश ट्रांसफ़र है उसके लिए आती है उसके लिए उनको अलाव है कि क्योंकि उसमें बायोमेट्रिक है और उसमें औरत औरत नहीं आके रिसीव करने तो बैंक के अंदर औरत नहीं जा सकती एटीएम यूज़ नहीं कर सकती लेकिन बिस्प का जो प्रोग्राम है उसका जो कैश uh, रिसीव करने के लिए वो जाती है तो आपको लगता है कि ये जो प्रोग्राम्स हैं इसके अंदर पोटेंशियल है कि इनको बेहतर किया जा सकता है और ख़वा इससे ज़्यादा से ज़्यादा <coughs> फ़ायदा ले सकती है बहुत अच्छा सवाल है थैंक यू सो मच पहले तो मैं एड्रेस करूँ इशू के पाकिस्तान के कुछ ऐसे इलाक़े हैं जहाँ पर आ, औरतों का और बच्चियों का निकलना चाहे किसी काम के लिए भी हो किसी चीज़ के लिए भी हो पढ़ाई के लिए हो स्कूल जाना मना है स्कूलों को बॉम्ब किया गया है हम सब जानते हैं कौन कौन से इलाक़े हैं और कब कब किया गया है सब हमारे पास एक लिस्ट मौजूद है और यहाँ पर मौजूद है जो कि मरते दम तक रहेगी कि स्वात में दो से लेकर कर नौ तक क्या हुआ और गिलगित बल्तिस्तान में और ख़ास तौर पर कुछ इलाक़े ऐसे हैं कुछ आपके डिस्ट्रिक्स ऐसे हैं जहाँ पर मेरा जाना रिसर्च के लिए तहकीक़ करने के लिए बहुत मुश्किल हो गया था और वो कोई ऐसी सियासी तहकीक नहीं थी कि भाई ये तो यू नो डिस पर्सन के ऊपर काम करने जा रही है तालीम के पे काम करना जा रही थी तो वो एक अलग किसी और दिन के लिए उठा रखते हैं आपने ये कंडीशनल कैश ट्रांसफ़र्स और बी बीआईएसपी का जिक्र किया मैं इसका एहसास का नाम नहीं लूँगी क्योंकि वो बद बदनीति पर मबनी उसका नाम तब्दील किया गया था चार साल के लिए वापस तब्दील हो गया <laughs> औरिजनल थे। मैं मेरा किसी सियासी जमात के साथ ताल्लुक़ <laughs> नहीं है और मैं वापस्ता भी नहीं हूँ किसी <laughs> के साथ तो इसलिए मैं जब बात करती हूँ तो फैक्ट्स और फिगर्स के साथ डेटा के साथ बात करती हूँ <laughs> सबसे पहली बात जो मैं करना चाहती हूँ इस जमन में वो ये है कि उन्नीस 1995. Hmm. आज हम हैं 2024. अगले साल बीसवीं सालगिरह या बरसी जो मर्जी कहना चाहें <laughs> वो तो आपके नुकता नज़र पे, पे मुनसर है।, है पाकिस्तान गया था कोपिन हागिन वहाँ वर्ल्ड सोशल सिक्योरिटी डेवलपमेंट की कॉन्फ्रेंस हो रही थी वहां पर सबसे पहला नुकता जिस पर पाकिस्तान ने दस्तखत किए थे इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी आजकल क्या इस्तेमाल पिछले 20-25 साल में क्या इस्तेमाल करती है पाकिस्तान पॉवर्टी रिडक्शन पॉवर्टी एलिविएशन खबरदार जो किसी ने दस्तखत शुदा दस्तावेज से मुनरफ हुए आप नहीं इनकार कर सकते क्योंकि आपका दस्तख़त मौजूद है और ये किसी इसीलिए मैंने कहा था कि किसी सियासी जमात की बात नहीं हो रही रियासत की बात हो रही है जब आप बैन अवी सतह पर किसी माहदे के ऊपर किसी अग, अग्रीमेंट के ऊपर किसी ट्रीटी के ऊपर किसी कन्वेंशन के ऊपर दस्तखत करते हैं तो वो आप बतौर हुकूमत पाकिस्तान नहीं कर रहे होते बतौर रियासत पाकिस्तान दस्तखत कर रहे होते हैं लिहाजा कोई भी हुकूमत आ जाए इलेक्शन के बाद उस पर लाजिम और वाजिब हो जाता है कि वो उसकी पासदारी करे और उसको इम्प्लीमेंट करे तो आप तो हुजूर बीस साल पहले आपने कहा था कि हम गुर्बत को खत्म कर देंगे बढ़ती चली जा रही है ठीक है, है? अब आ जाते हैं हम कैश ट्रांसफर्स के ऊपर और अनकंडीशनल और कंडीशनल के ऊपर आपने फरमाया प्रोडक्शन एंड एक्सपेंडिचर इनकम एंड एक्सपेंडिचर प्रोडक्शन हमारी कितनी है पैदावार कितनी है बिल्कुल दुरुस्त फरमाया लेकिन इसके साथ साथ एक और बात भी है जिसका जिस पर गुफ्तु करना लाजिम है आबादी <laughs> का बढ़ना और जिस शराह से हमारी आबादी बढ़ रही है वही वाली बात फज फिगर्स हम, हम बार बार मेरा ख्याल है आज का पूरा प्रोग्राम का टाइटल होना चाहिए फज फर्ज फिगर्स फज डेटा और ये वो खाने वाली फज नहीं है ये वो ये वो बेईमानी वाली फज है जिसमें हम बेईमानी वाली फज ये वो मीठी चीज नहीं है जो टॉफियों की तरह लोग खाते हैं हाँ। देखिए <clears throat> हु पाकिस्तान कहती थी बड़े अरसे तक दहाइयों तक डेकेट्स के लिए हम कहते चले आए हमने तो अपनी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को कम करके 1.8, 1.7, 1.9 कर दिया हुँ। हुँ। हुजूर, आपके 2017 के पॉपुलेशन सेंसस जिसको और फ़्याम ग़लत गलत, गलत. रफ्याम में कहते हैं मरदम शुमारी ये मरदम शुमारी नहीं है ये अफराद शुमारी है क्योंकि मरदम फारसी में मर्दों को कहते हैं तो क्या आप फिफ्टी फिफ्टी टू परसेंट सिर्फ मर्दों को गिनने जा रहे हैं फोर्टी एट परसेंट औरतें ना गिनी जाएँ तो इसलिए मैं मुहिम पर निकली हूँ मेरे एक कैंपेन है कि इसको हम अफराद शुमारी बोलेंगे हम इसको मरदम शुमारी नहीं वरना फिर मैं मजबूर हो जाऊंगी शुमारी भी करवाओ <laughs> नहीं अच्छा अगर फारसी बोलनी है थोड़ी बहुत फारसी तो मैं भी बोल लेती हूँ ठीक है अच्छा उस वक्त दो सीरियस 2017 में जब सेंसस हुआ था तो असल असलियत निकल आई थी 2.4 परसेंट दो आशारिया चार फीसद सालाना शरणमोती आबादी की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अभी अभी 2023 में जो पॉपुलेशन सेंसस हो चुका है उसमें सौ गलतियां हैं कराची वालों को भी मसले हैं और बलोचिस्तान वालों को भी मसले हैं और गिलगित बल्तिस्तान को भी मसले हैं और रिलीजस माइनॉरिटीज़ को भी मसले हैं औरतें भी ढाई फ़ीसद कम नज़र आ रही हैं फोटी एट पॉइंट नाइन परसेंट हम फिफ्टी टू क्यों नहीं हैं जो कि सारी दुनिया में हैं पाकिस्तान की औरतें इतनी कम कहाँ मिसिंग चली गई एंड एनफोर्स डिसअपियर लोगों की तरह जबरी गुमशुदा अफराद की तरह तीन फ़ीसद औरतें कहाँ चली गई या चार फीसद औरतें कहाँ चली गई ये बड़े मसाइल हैं लेकिन एक चीज 2023 के अफराद शुमारी के सेंसस में निकल कर आई और वो ये थी कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 1.9 भी नहीं है 2 भी नहीं है 2017 वाला दो आशारिया चार भी नहीं है 2.55 परसेंट ये वो चीज है कि हम 350 मिलियन हो पैंतीस करोड़ हो जाएंगे अन करीब खड़े होने की यूं हाथ करने की जगह नहीं होगी आपको Good. पता है इतनी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन हो जाएगी खाना पीना तो अलग छोड़ो रोजगार के मौके अलग छोड़ो तालीम और सेहत के मौके अलग छोड़ दो हम एक दूसरे को काट काट कर खाएंगे रोजगार किधर है आपने कितना आपने बात की थी प्रोडक्शन की इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बैलेंसिंग द बजट की आपने बात की बिल्कुल दुरुस्त बात की लेकिन किधर है वो नौकरियां कहाँ है वो रोजगार जो के जो कि आपके आइन के अंदर जमानत देता है 1973 का आइन स्टेट शैल प्रोवाइड hmm. जिस तरह राइट टू फेयर ट्रायल और, और राइट टू एजुकेशन है और तमाम जितने hmm. राइट्स हैं उस तरह रोजगार का हक आपका बुनियादी इंसानी हक है hmm. कहाँ है वो सारे वो, वो सारे बुनियादी हकूक हमारे hmm. Hmm. वो मुफ्त की सेहत वो मुफ्त की तालीम आपने राइट टू एजुकेशन अठारवी आईनी तरमीम में डाल दिया 2010 में आइन के अंदर राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 25 ए और कुछ सूबों ने जल्दी से जाके कानून साजी भी कर ली mm. कहां है वो स्कूल जिसमें बच्चे बच्चे और बच्चियों को जाना चाहिए मुफ्त की मुफ्त के तालीम के लिए ढूंढ ढूंढ के मैं, मैं थक गई हूं मुझे नहीं नजर आते वो स्कूल अप टू ऑफ सिक्सटीन यूनिवर्सल फ्री प्राइमरी कंपल्सरी एजुकेशन ये आपका आइन बोलता है ये मैं अगर बोल रही होती पागल सी बुढ़िया क्या क्या बोल रही है नहीं <laughs> ये है पागल सी बुढ़िया आइन पढ़ती है सही बात है बिल्कुल दिस इज रियली हां ये और ये सारे फैक्ट्स है ना और ये सारी ऐसी हकीकत है ना जिस से हम रूगर्दानी नहीं, नहीं कर सकते नहीं कर सकते लेकिन एक जो जो बड़ा इस वक्त अल्मिया है जैसे आपने फरमाया जो सियासी हुकूमतों का तसलसल भी नहीं रहा नहीं इस मुल्क हैं। में हैं। देखें एक तसलसल तसलस तसलसल जो है बुनियादी तौर पर एक लंबे प्लानिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है अगर हम जितना भी ये सारे बुराइयाँ कुरेतना शुरू करें तो अल्टीमेटली इनका मंबा कहीं जाके एक जगह सवाल उंगली उधर रुक, रुक जाती है जाती तो वहाँ क्यों इम्प्रमेंट नहीं हो सकती या निज़ाम के अंदर देखिए दुनिया का एक टाइम टेस्टड असूल है दुनिया में जहाँ भी तरक्की हुई है या चीज़ें आगे बढ़ी हैं तो उसमें जो पहला शर्त पहली शर्त है वो ये है कि आपने जमहूरी अमल को आगे बढ़ाना है शहरीों की जो मफा का वेलफेयर है उसको आपने अपने नैशनल पॉलिसी और सोशल पॉलिसी का बुनियादी हिस्सा बनाना है तो ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है कि पाकिस्तान में इस वक्त जिस तरह कंट्रोल के ज़रिए चलाया गया तो ये एक बहुत ही स्ट्रांग कोई मजबूत कस्म के का एक डिफेंसबल वो है वो है बॉर्डर से हमारे बहुत स्ट्रांग फ्रंटियर्स हैं तो देखें दुनिया में ये सारा जो फ्रेमवर्क है सोचने का वो बदल चुका है देखें, देखें। अगर इतने ज्यादा हथियारों के साथ कोई मुल्क बच सकता तो वो तो सोवियत यूनियन था ना उसके पास कितने बड़े थे वो दुनिया का सुपर पावर वहां पे भी कम्पीट नहीं कर सकते देखिए दे कूडन कम्पीट बिकॉज उन्होंने अपने इकोनॉमिक प्रायोरिटीज और नेशनल रिबिल्डिंग uh, को या लोगों की जो मफात है उस पर हथियारों को तरजीह दी एंड राइट right? हमारे पास हम तो वो है नहीं हमारे पास ना वो इकानमी है ना हमारे पास वो स्ट्रेंथ है ना हमारे पास वो लॉन्ग टर्म थिंकिंग है तो हम तो एक ऐसे ख़त्ते में हैं जहाँ पर हमारी तमाम तर हमारे अनहसार बरूनी इमदादा के चाहे हमारी इकानमी हो ट्रेड हो आ, हमारा डे टू डे अफेयर चलाना हो किसी घर का अगर बजट आप बनाएं उस घर के लिए हर चीज़ बाहर से आती हो और घर वाले बैठ के बिल्कुल पाँव फैला के खा रहे हो तो कितना अर्सा आपको लोग खिलाते रहेंगे तो ये एक बुनियादी इस वक्त मसला है पाकिस्तान का कि हम हमेशा से ये ये अस्यूम कर लेते हैं कि कोई आएगा हमें बेल आउट करेगा क्योंकि हमें बेल आउट किया गया है नाइनटीन में सोवियत जहा सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ जहात में हमने आ, प्रोक्सिस स्टेट का किरदार अदा किया दो हज़ार एक दो में मुशरफ साहब ने फिर वहीं किया जयाल्हक ने किया जनरल एयूब ने आ, जो है वो सेंटो सेटो साइन करके ये डिक्लेयर कर दिया कि हमारा सारा तरक़िया दार आ, अमल तरक्की का अमल बैरूनी इमदाद पे होगा हम एडवाइजरी ग्रुप जब आया था जी जी बिल्कुल अब देखें हमने हमेशा जो पाकिस्तान की जो तरजीही रियासत की रही क्योंकि इसकी वजह यह कि आपके पास एक स्टेट मैनशिप या स्टेट सॉरी मैनशिप भी स्टेट पर्सनशिप थैंक यू वेरी मच ये बड़ा एक बहुत तो स्टेट पर्सनशिप जो है वो हमने डेवलप नहीं किया और देखें नाइनटीन सेवेंटीज़ में भारत और पाकिस्तान दोनों का तो अगर तकबली जायज़ा लें तो भारत और पाकिस्तान को देखें तो भारत जो है ना एक बड़े तवील मदद माशी पॉलिसी के साथ डेवलप कर रहा था और किसी तरह से जमहरी अमल को कॉन्स्टिट्यूशनल आगे बढ़ाने को कोशिश की उसका एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नज़र आता है डिस्पाइट द फैक्ट डेट इंडिया में एक फैशिस्ट रजीम भी है लेकिन वो फैशिट रजीम किसी वक्त डिफ़ीट हो सकती है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी मौजूद है तो तरक्की और उसका अमल जो है वो जमहूरी एक तो तसलसल के साथ जुड़ा होता है दूसरा जो है ये जो फाइव फिगर्स की आपने बात की जो शोकत अजीज साहब कर रहे थे कितने एसी हमने बेचे कितने कारें बिक गई आ, कितने लग्जरी आइटम्स पाकिस्तान के लोगों ने जी वो बाद में हुआ, वो बात में हुआ वो दो हज़ार अठारह अठारह वो तो खैर हाँ अब ये देखो हमारे जो इंडिकेटर्स हैं वो बिल्कुल इस बात पर कि हमारी जो इंपोर्ट ओरिएंटेड इम्पोर्ट है इसमें कितनी चीज़ें लोग ख़रीदते हैं इस बात पे नहीं है कि हम कितनी चीज़ें पैदा अगेन यही बात है कि इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है वो इतनी गंभीर हो चुकी है जिसका हमें अंदाज़ा नहीं है नहीं। क्योंकि आप एक आम आदमी से पूछें जैसे आपने कहा सेवेंटी परसेंट लोग ऐसे हैं जो अभी फूड दो वक्त का बर्दाश्त वो दे के नाट अफोर्ड टू टाइम्स जी वक्त एक वक्त अब देखें इस हालत में अगर ये ये जो महरूमियाँ है या डिस्ट्रप्शन ये मजीद आगे बढ़ेगा तो आई uh, थिंक uh, एक ब्लडी सिचुएशन आई मीन इट इज गोइंग टू बी ए सिविल वॉर ये जो बहुत ज्यादा एक बढ़ता हुआ भी महरूमियों का जो एक uh, समंदर है।, है।, लोगों में आपको होप बहुत कम इस वक्त नजर आते तो क्या कोई होप है वैसे इज देर एनी होप आउट देर जिसपे हम मतलब लोगों को बता सके कि नहीं अगर ऐसे होगा तो शायद कुछ बेहतरी आ सकती है अगर ऐसे होगा तो कुछ कुछ बेसिक पॉइंटर्स में उम्मीद का दामन कभी हाथ से नहीं, नहीं छोड़ना चाहिए ठीक है उम्मीद पर दुनिया कायम है मैं भी अगर मैं उम्मीद ना होती अगर मैं मायूस होती तो मैं अभी तक सड़कें ना नाप रही होती रोज़ाना सड़कें नापना बहुत मुश्किल काम है ख़ास तौर बूढ़े लोगों के लिए आपके सवाल के जवाब पर ज़रूर आऊँगी क्योंकि वही लबो लबाब होगा रकस होगा आपने फ़रमाया कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रही कंटिन्यूटी नहीं रही बहुत एहतराम के साथ बहुत एहतराम जान की मान पाऊँ, थोड़ा सा मुझे <laughs> जी 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 मुझे अर्ज़ करने दीजिए कुछ कौमों की रियासतों की जिंदगियों में कुछ ऐसे उमूर होते हैं कुछ मैटर्स और इश्यूज कुछ ऐसे होते हैं जो कि अबव पार्टी पॉलिटिक्स होने चाहिए बिल्कुल मैं ये नहीं कह रही कि पाकिस्तान में ऐसा है मैं कह रही हूं क्या होना चाहिए वो चाहिए। आपके सवाल पे आ रही हूँ इसी के थ्रू आ रही हूँ अगर हम पाकिस्तान के साथ सिंसियर होते अगर हम बिल्कुल दिलो जान से सच्चे होते तो फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी सियासी जमात हुकूमत में है मरकज में या सूबों में या या लोकल गवर्नमेंट में जिसको हमने बिल्कुल ही नज़रअंदाज किया हुआ है कौमी मफाद में सूबाई मफाद में रियासत के मफाद में और सबसे बढ़कर आवाम और लोगों के मफाद में कुछ ऐसी पॉलिसीज़ हैं पहले एक ज़माने में पाकिस्तान 2020 हुआ करता था फिर 2025 आया फिर पाकिस्तान 2030 आया फिर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स आए के फिर उसको फेल वो स्पेक्टेकुलर फेलियर हो गया ऐसा फेलियर कि लिए तो फायर ज़रूरत पेश आती है इतना बड़ा फेलियर हुआ दो हजार से दो हजार पंद्रह तक जी जी। फिर हमने दो हजार पंद्रह में दस्तखत किए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे अकामद जो कि दो हजार तीस में खत्म होने को आ रहे हैं और दो हजार चौबीस में तो हम पहुँच गए जागो जागो हुआ सवेरा आप किधर हो भाई जाग जाओ मेरा कहने का ये मकसद है कि बार बार मैं यही कहूँगी कि जब आप दस्तखत करते हैं जब आप आइन पर हल्फ़ लेते हैं एज अ पार्लियामेंटेरियन एज अ प्राइम मिनिस्टर प्रेजिडेंट कुछ भी हो आप मिनिस्टर जब भी आप किसी चीज़ का भी हल्फ उठाते हैं तो आइन पर उठाते हैं आइन नहीं तब्दील हो जाता हर सियासी जमात के, के पावर में आने से या निकल जाने से इलेक्शन के बाद आइन वहीं का वहीं रहता है आपकी ये जो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं ये वहीं की वहीं रहती हैं गुरबत एक ऐसी चीज है कि आपको देखना पड़ेगा कि दो तीन चीजें बहुत बुनियादी हैं एसेट्स ओनरशिप कि मेरे पास कोई ऐसी चीज हो जिसको मैं अगर बैंक लोन लेने जाऊं बतौर औरत के तो मुझे अपने बाप या अपने शोहर या अपने भाई या अपने बेटे के ऊपर इन्हें सारणा करना पड़े कि भाई कोलेट्रल कहां से आएगा कहाँ से आएगा मेरे पास अगर मैं दही औरत हूँ तो मेरे पास अपना एकड़ जमीन जरूरी है अपने फार्मिंग करने के लिए मैं अगर औरत किसान हूं तो मुझे अपनी एकड़ जमीन चाहिए, चाहिए। एक या दो या तीन और ये कौन देगा ये हुकूमत देगी एस आई सी एफ के जरिए आप कॉरपोरेट फार्मिंग फौज को तो दे रहे हैं औरतों को मुफ्त की जमीन नहीं दे, दे सकते हारियों को और मजारों को और गरीब औरतों को अभी हमने फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी का जिक्र किया उनको एक एक एकड़ जमीन तो, दे के तो देखो कि वो अपने आप को खुद गुरबत से निकालेंगी आपको उनको चैरिटी देने की जरूरत पेश नहीं। ही नहीं आएगी और ये जितने भी वुमेन के इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के प्रोग्राम्स हैं उसके अंदर सबसे बड़ा फ्लॉ मुझे यही नजर आता है कि आपने प्रोग्राम्स वो इतने चैरिटी Charity, Charity, Charity. आपने औरतों को करना है और अपने पाओ पर खड़ा करना और ये कैसे होगा एसेट्स ओनरशिप एसेट्स ओनरशिप से क्रेडिट आएगा आपको कर्जा मिलेगा उस कर्जे से आप कोई बिजनेस सेटअप करेंगी या अपने फार्म के लिए कोई ट्रैक्टर ले लेंगी आपको मालूम है कि वेमेन हेडेड हाउस होल्ड बढ़ते जा रहे हैं पाकिस्तान में मर्द या तो दुबई चले गए और या पाकिस्तान में नशाई हैं और काम नहीं करते मैं, मैं मजाक तो तो नहीं कर रही औरतें तो, और तो, तो नशे बहुत कम है और औरतें विमेन हेडेड हाउसहोल्ड्स हैं लेकिन उनके पास ना ना एसेट्स ना कोलेट्र ना लोन्स किस तरह गुजारा करेंगी बच्चे बच्चों की देखभाल औरतों के ऊपर छोड़ दी बूढ़े माँ बाप की देखभाल औरतों के ऊपर छोड़ दी लकड़ी लाना ईंधन लाना पानी लाना औरतों के ऊपर छोड़ दिया ये औरत है कि मशीन है और ये इसको काम वैसे भी फॉर्मल वर्कफोर्स में वैसे भी नहीं आता। गिना ही नहीं जाता गिनाई नहीं जाता आपको मालूम है कि मर्दों को ईओबीआई भी मिलती है वर्कर्स वेलफेयर फंड भी मिलता है पेंशन भी मिलती है सेहत और तालीम के भी मौके मिलते हैं को ना EOBI में बच्चे जान रही है लेकिन तो तुम्हें तो तुम परवाही रिप्रोडक्टिव हेल्थ सेहत है क्या चीज hmm. औरतों hmm. को hmm. तो बहुत ज्यादा तवज्जो की जरूरत hmm. है मर्दों से माफ कीजिएगा नहीं नहीं बिल्कुल hmm. बिल्कुल जरूरी आप सही कह रही हैं देखें मैंने इसमें जो है वो इनकी बात बिल्कुल हक ब है पाकिस्तान में जो डेवलपमेंट का पूरा स्ट्रक्चर है जिसको हम पोस्ट मॉडर्निस्ट स्ट्रक्चर कहते हैं अमूमा हमने क्या किया है इश्यूज को तोड़ा हुआ है मसल अगर मैं थोड़ी सी इख्तलाफ़ इसमें रखूँगा कि सिर्फ मर्द दुश्मनी से वुमेन एंपावरमेंट नहीं, नहीं होगी मैं ये नहीं कह रही नहीं मैं समझ जल मेरा कंसेप्शन लेट मी इंटरप्ट यू आई एम सॉरी आई एम इंटरप्टिंग मैं मर्द दुश्मनी मैं, मैं, की बात नहीं कर रही मैं कह रही हूं औरतें क्योंकि रिप्रोडक्टिव दिस फंक्शन नहीं क्योंकि रिप्रोडक्टिव फंक्शंस करती हैं, उनको तवज्जो की ज्यादा जरूरत है। मर्द दुश्मनी का तो कहीं जिक्र देखें पाकिस्तान में एक ओवरऑल जबर मौजूद है औरतों पे डबल जबर है क्योंकि एक पेट्रियॉर्कल सिस्टम है एक ट्राइबल सिस्टम है जहाँ पे और एक मजहबी निज़ाम है जो हमेशा से चाहे दुनिया में देखें अगर डार डार में यूरोप में क्रिश्चियनिटी थी तब भी औरतों को विच हंटिंग हाँ, के नाम पे मारा जाता है हाँ एग्जैक्टली इसी तरह हमारे यहाँ भी एक खतरनाक नेक्सस है मज़हबी जुनूनीत और ट्राइबल वैल्यूज का जो दोनों इनफोर्स करते हैं पेट्रियार्की और पेट्रियाकी के साथ साथ एक नेशनल सिक्योरिटी स्टेट के भी अपने जी अपने, अपने तकाजात मौजूद हैं अपने अपने एस्पेक्ट्स मौजूद हैं जी जी बिल्कुल सही कह रही है अब इसमें यह हुआ कि अब ये जो जबर है इससे कैसे निकला जाए बुनियादी सवाल डेवलपमेंट का सवाल यही है ना कि आप इसको ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे एक तरीका ये है कि बिल्कुल ठीक है हमें एडवोकेसी करनी चाहिए खवातीन के एम्पावरमेंट के और इमेंसीपेशन के लिए उसका तरीक़ाकार क्या होना चाहिए कुछ जो फेमिनिस्ट मोमेंट्स से उनसे मेरा थोड़ा इख्तलाफ इसलिए है कुछ से नॉट फॉर ऑल कि उन्होंने मेस्कुलिनिटी ऑफ पावर को इग्नोर किया है बाज़त पावर की अपनी एक मेस्कुलिनिटी मौजूद है मसला अगर हमारे इस माशरे में अगर बेनज़ीर बटू जैसी बहादुर खातून सिंध में से आती है प्राइम मिनिस्टर बन के तो सिंध के हारी की जो औरत थे उसके मसले हल नहीं होंगे क्योंकि पावर आपने तब्दील नहीं किए पावर रिलेशन स्ट्रक्चर ऊपर ये है ऊपर कोई मर्द है या औरत है उसके टॉप पे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एक्सरसाइज पावर -एलीट कैप्चर, कैप्चर, कैप्चर बुनियादी सवाल है ना इस मुल्क में कैसे साहब इस वक्त बताऊं क्या एडवोकेट कर रहे हैं यह कह रहा हूँ कि तहरीक में हमेशा में ये जहन रखना चाहिए कि जो तसलुत थे इस निज़ाम के तसल्लुत में या उसके ऑपरेशन में जो लोग हैं उन सब को यूनीफ़ाई युनि, होना पड़ेगा इन ऑर्डर टू ब्रिंग ट्रांसफॉर्मेशन राइट एक तो ये दूसरा मेरे ख़्याल में ऑप्टिमिज्म भी हमें रखना है कि पाकिस्तान बहुत जरखेज़ है जिसमें मैडम जैसे लोग हैं आप ख़ुद थे ये नौजवान हैं दे आर दी ऑप्टिमिज़म बिकॉज दे आर दी पीपल हो आर दी गार्जियंस ऑफ दिस कंट्री मैं इनको कहता हूँ यह असल पाकिस्तान है इनकी वजह से अगर थोड़ी बहुत आज़ादियाँ मुल्क में हैं तो इनकी वजह से थोड़ा बहुत इंसानी हकूक़ पे लोगों का अहतमाद है क्योंकि एक वाइब्रेंट सिविल सोसाइटी हमारे पास रही है जिसने पाकिस्तान को जो है वो आपका किसी सफ सारण अफ्रीका का मुल्क बनाने से रोका इसलिए है कि हमारे पास वो पोटेंशियल है अब उस पोटेंशियल को इस्तेमाल करने का वक्त आई है अब देखें इस वक्त हमारा जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो टूटा हुआ है रियासत और शहरीों के बीच जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जो एक कॉन्स्टिट्यूशन के किताब के ज़रिए उसकी मीडिएशन होती है वो मीडिएशन का अमल टूट चुका है उसको जोड़ना है कोई रेवोल्यूशन आए ना आए लेकिन बुनियादी तौर पर उसको जोड़ना जोड़ने के लिए हमें वो तमाम क़वतें वो तमाम फोर्सेस जो समझते हैं कि यहाँ पर आइन की बालादस्ती हो जमहूरी निजाम जमहूरी अकदार की बालादस्ती हो निज़ाम में तसलसल रहे और फिल्टर आउट हो करप्ट वाले बुरे वाले लोग और अच्छे लोग आए तो उसके लिए ज़रूरी है कि वह तमाम लोग जो इस अमल को समझ चाहे ख़वात हों मर्द हों उन सब को एक साथ जाना होगा बात हमारी नासमझी की वजह से या डेलीबरेट या अन मतलब अन इंटेंशनली हम अपने तहरीकों को तोड़ना शुरू करते हैं यह एक पोस्ट मॉडर्न प्रॉब्लम है हमारा कि हम, हम तोड़ते हैं या हमें तोड़वाया जाता हम है हम खुद भी करते हैं बाजूक तोड़वाया नहीं तो करते तो जाता है वो तो तैयार है ना वो तो मैडम वो तो हर वक्त तैयार है लेकिन हमारे अपने भी कुछ कसूर है कुछ हमें भी मरने का शौक़ होता है बाजूकत हम भी तोड़ते हैं बाजूक थे और कुछ हमें भी मरने का शौक भी था इसी तरह का है देखे जो हमारी इस वक्त देखें ना जो आ, पे जितने भी मुजात की तहरीके हैं उनके अंदर मसले बहुत हैं फिर कवात मौजूद है टू बी वेरी ऑनस्ट यहाँ एक तहरीक है यहाँ है, to है। उसमें तो किसी ने उनको रोक करने लेकिन खुद भी है। ये एक हमारा रवैया है ना ये बड़ा प्रॉब्लम है कुछ आपने होप और ऑप्टिमिज्म की बात की उम्मीद और, और मुस्बित रवैया रखने की बात की मैं समझती हूँ कि मैं जिस उम्र के जिस हिस्से में हूँ मुझे उम्मीद की किरण और मुस्बित एक रवैया रखने के लिए नौजवान नस्ल नज़र आती है और उनको किस चीज़ की ज़रूरत है तालीम की लेकिन तालीम कौन सी तालीम किस तरह की तालीम चाहिए सब के सब अगर 25 मिलियन ढाई करोड़ जो हमारे लड़के और लड़कियां हैं जिसमें से 75 फीसद लड़कियाँ हैं अगर आप कल सब को स्कूल में डाल दें सवाल वहीं का वहीं रहेगा कि किस तरह की तालीम मिल रही है मैं अपने साथ लेकर आई हूँ दिखाने के लिए कि बहुत सारी तहकीक हो चुकी और ये भी तहक़ीक का एक हिस्सा है कि हमारे हुकूमती सरकारी निसाब में और सरकारी कुतुब में किस तरह की तालीम दी जा रही है इसका नाम रखा है टेक्स्ट बुक्स ऑफ हेट और पीस तो हम क्या अपने बच्चों और बच्चियों को एक नफरत अंगेज़ शर अंगेज़ किस्म का एक निसाब और तदरीसी कुतुब पढ़ा रहे हैं या हम उनको अमन और सलामती सिखा रहे हैं उनको क्या इकदार दे रहे हैं सबके सब का स्कूल में चले जाना अच्छी बात होगी क्योंकि तालीम अच्छी चीज़ है लेकिन किस तरह की उसका कंटेंट क्या है उसका सब्सटेंस क्या है हम क्या पढ़ा रहे हैं और ये इस तरह की बहुत सारी बहुत सारी और और तहकीक हुई है पूरे पाकिस्तान में हुई है ये तो एक शूबे के हवाले से मैंने एक रिपोर्ट लिखी थी वो मैं ले आई मैंने कहा एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर लेकिन पूरे पाकिस्तान में ये तहकीक हो चुकी है और ये कोई बाईस तेईस चौबीस सालों से ये तहकीक चल रही है कि हमें किस तरह का निसाब चाहिए सिंगल नेशनल करिकुलम 2021 जैसा करिकुलम नहीं चाहिए right. उस हमारा मुतालबा है कि अगर आपने मुतालबापत दूर करनी है और अगर आपने भूख दूर करनी है इफलास को दूर करना है रोजगार को पैदा करना है अपनी आबादी के बढ़ने की शराह कम करनी है सेहत और तालीम मुहैया करना है तो फिर आपको सिंगल नेशनल करिकुलम 2021 को सबसे पहले अगली हुकूमत जब मुंतखब होकर आएगी फरवरी 2024 में तो उसको फौरी तौर पर मनसूख करो पार्लियामान के जरिए उसकी जगह इस तरह का निसाब बनाओ जो कि आपको अमन सिखाए तनवो सिखाए तकसीरियत सिखाए ये बड़े मुश्किल उर्दू के लफ्ज हैं मैंने भी बड़ी मुश्किल से सीखे प्लोरिज्म डाइवर्सिटी हम सब फूलों का एक गुलदस्ता है कोई मुस्लिम है कोई गैर मुस्लिम है कोई अकलीत है कोई औरत है कोई मर्द है कोई दही आबादी है कोई शहरी आबादी है।, है कोई फलाह जुबान बोलते हैं कोई फला जुबान बोलते हैं किसी का कल्चर कुछ है किसी का कल्चर कुछ है, ऐसे है। लेकिन अगर हम अपने आप को एक रियासत की छतरी तले रखना चाहते हैं और ये बहुत बड़ा अगर का लफ्ज है अगर तो फिर शुरू हमें तालीम से करना होगा और तालीम के अंदर हमें निसाब और तदरीसी कुतुब और टीचर्स ट्रेनिंग टीचर्स रिक्रूटमेंट किस तरह के हम मुल्लों को टीचर्स रिक्रूटमेंट कर रहे हैं जो कि हमारे बच्चों को सेक्सुअल अब्यूज भी करते हैं और गलत चीजें सिखा भी रहे हैं मुझे बताएं कि जब इस्लामियात स्टडीज इस पर पूरा एक मौजू रखना है जब इस्लामियात रिलीजस स्टडीज कंपल्सरी है सरकारी स्कूलों में और हर जगह तो क्या जरूरत पेश आ गई थी सिंगल नेशनल करिकुलम को कि उर्दू के मजमून में अंग्रेजी के मजमून में साइंस के मजमून में मैथमेटिक्स के इस्लाम्य। म, इस्लाम्य। मजमून में हम सिर्फ इस्लामियात सिखा रहे हैं और मजे की बात सबसे अहम बात इसमें यह है ये तो है ही खराब चीज बुरी बात है क्योंकि उर्दू में उर्दू सिखाओ और अंग्रेजी में अंग्रेजी सिखाओ पाकिस्तान स्टडीज में पाकिस्तान स्टडीज सिखाओ हिस्ट्री में हिस्ट्री सिखाओ ज्योग्राफी में ज्योग्राफी सिखाओ लेकिन इस्लामियात में अकलीतें मजहबी अकलीतें नहीं जाती वो अपने मजहब पढ़ते हैं लेकिन उर्दू और अंग्रेजी और पाकिस्तान स्टडीज तो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं उसमें उनको इस्लामियत जबर के तहत जबर के तहत पढ़ा है। जबर के तहत जबरी तौर पर गैर मुस्लिम पाकिस्तानियों को इस्लामियात सिखाई जा रही है तो इसलिए सिंगल नेशनल मुझे नहीं पता आप लोगों के सियासी एफिलियेशन कहाँ हैं मुझे न, इस पे कोई कोई मुझे सरोकार नहीं कि कौन <laughs> किस पार्टी के साथ <laughs> है।, मैं है मैं है ये कह, है। कह रही हूँ जो गलत है गलत। उसको गलत। है। हम गलत बोलेंगे और अल ऐलान बोलेंगे और सबसे पहला काम नई हुकूमत ये करेगी कि सिंगल नेशनल कार्यक्रम दो हजार इक्कीस को मनसूख करे पार्लियमान के जरिए ताकि काम सही हो और कानूनी तौर पर हो हाँ बिल्कुल <laughs> इस बात पे हाँ बिल्कुल इस बात पर तो मैं तो एग्री करता हूँ कि तालीम में रिफॉर्म्स लाने के हवाले से एक कमीशन बनाई उन्होंने रिफॉर्म्स का मकसद ये था कि आपने मदरसों के निजाम को मॉडर्नाइज करना उन्होंने सारे को उल्टा सारे किया। स्कूल्स को मदरसा बना बना दिया। उन्होंने क्या कि पूरा उल्टा उल्टी गंगा बहने शुरू हो गई गुलदस्ता पे उल्टी गंगा बहने शुरू हो गई और जितना भी वहाँ पे टैक्स था उसको आपने सेकुलर एजुकेशन में दाखिल कर दिया और अब जो है हम सुधरते नहीं हैं ना अब देखें कि हमने कहा कि जब ये करारदात मकासद आ गए नाइनटीन फिफ्टीज़ में और उस ज़माने में ये बात तो हमने तय कर ली थी कि हमने इस मुल्क के अंदर तकसीरियत को तनवो को ख़त्म करना हमने एक बनना हमारा जो एक बनने का लेकिन एक, था। एक एक बनना है सिर्फ मुस्लिम बनना है और वो भी सुन्नी हाँ, सुन ले सुन ले हाँ, ये भी बात सिर्फ मुस्लिम अव्वल तो हमने सिर्फ मुस्लिम बनना है हाँ, वो भी वो भी सुन्नी मुस्लिम, मुस्लिम बनना है एक और चीज

उसको तोड़ने की कोशिश की गई है लेकिन लेकिन, लेकिन जो जो मुझे जिस बात का अफसोस होता है वो मरकज की नीयत पे तो हमें पता है शक होना नहीं। शक होना नहीं शक होना नहीं हमें मालूम है मरकज <laughs> <शक laughs> की तो नीयत शक तो आपको सूबाई पे है जो कि लोकल गवर्नमेंट नहीं आने दे यही तो मसला है देखे जो वन यूनिट वाले जो ये पूरा था कि एक को मनने का मतलब है कि आपने वन यूनिट बनाने एक सदर बनाने 2018 में इमरान खान को मैं भी किसी पार्टी का नहीं लेकिन मुझे जो आ, मेरे सामने चीज़ें 2018 को जब खान साहब आ रहे थे तो उन्होंने कहा कि 2030 तक का हमारा एजेंडा है पाकिस्तान में सदारती निज़ाम आएगा पाकिस्तान में 18 अमेंडमेंट को हम खत, रिवर्स करेंगे कर अच्छा, है। अच्छा अच्छा है। ए, ए, एक चीज़ वो कर गए जो एक जो ये सिंगल नेशनल करिकुलम लाने के बाद अच्छा हुआ जल्दी चले गए वरना पता नहीं क्या क्या नहीं 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 आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि 2022 में कुछ हल्की सी आपने कहा उम्मीद उम्मीद की किरण आई थी कि कोलेशन गवर्नमेंट आई है हाँ। तमाम पार्टियों का एक एक, एक मजमुआ है, है। हाँ। एक एक मजमुआ एक, है मरबूबा हाँ। है मर्गुबा है क्या भी है एक, एक 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 इस तरह की एक एक कौमी हुकूमत जो मर्जी कहे कोलिशन उम्मीद थी और बहुत हम जैसे लोग जो कि तालीम के साथ भी वाबस्ता हैं और इस तरह के सोशल सेक्टर डेवलपमेंट के साथ वाबस्ता हैं बहुत मुतालबा किया कि सिंगल नेशनल करें आपके पास पार्लियामान है आपके पास मेजॉरिटी है पार्लियामान के अंदर ये बेहतरीन मौका है इस वक्त कि आप सिंगल नेशनल करिकुलम 2021 को मनसूख करवा लें 2022 से लेके 2023 तक वो हुकूमत में रहे उन्होंने नहीं किया बात बार बार नियत पर आ जाती है आपकी नियत दुरुस्त नहीं है आपका इंटेंशन नहीं है चीज़ों को दुरुस्त इसमें एक और एलिमेंट है बस मैं आखिरी कि आपका जो वही बात ले दे के कैप्चर पर आती है जो आपका एलीट स्कूल का स्टूडेंट है उसके पास बहुत सारी राहें मौजूद हैं उसको एक जाहिल कौम चाहिए ना सिंगल बने और मजारे बने जी जो उनके काम करे जो टेक्निकली थोड़ी बहुत उनको खानदगी हो और उनके काम आए तो पाकिस्तान का मकसद वहीं फिर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का है जब तक उसके अंदर आप जान नहीं डालेंगे जब तक उसको इंक्लूसिव या शमूलियत वाला नहीं बनाएंगे तो नलीम ने बेहतर होना है आपके हेल्थ पे होगा हमने एच डी आई कर उसी तरह मरती जाएंगी हाँ, नहीं? में किसी हवाई जहाज के एक्सीडेंट में मर जाएं वो कितने सौ बनते हैं अगर थ्री सिक्सटी फाइव से डिवाइड करें तीस हजार को तो सोचे कि सैकड़ों लोग रोजाना जब अगर मर जाए किसी हवाई जहाज के क्रैश के अंदर वो टॉप हेडलाइन ब्रेकिंग न्यूज बन जाए यहाँ औरतें जचगी में मर जाती, जाती हैं।, हैं बच्चे पैदा करते करते और क्यों भी नहीं कोई करता किसी को पता ही नहीं कि हमारी रेशियो क्या है एग्जैक्टली right, यही तो मसले हैं ये मतलब हमें उम्मीद ये रखनी चाहिए कि एक शमूलियत पे मबनी एक पाकिस्तान अगर बनता है डाइवर्सिटी वाला और जहाँ पे हमारे हम सब कानून की और आयीन की तक्रीम को समझें और सुप्रीमेसी लॉ और पार्लियामेंट को अगर हम इस्टिश कर पाए तो यहाँ से हमारा नजात है वरना हम इसी तरह भटकते रहेंगे हाँ इसी तरह सिक्सटी फाइव ईयर्स और गुजर जाएंगे हाँ 75 इयर्स हाँ. तो दो ऐसे शख्सियत जिन जो जिनको बिठाएं तो मेरा ख्याल है कि हर एक टॉपिक के ऊपर अलग शो हो सकता है और होना चाहिए आ, लेकिन मेरा ख़्याल है कि बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्वर्सेशन मोटिवेशन यहाँ से आया मुझे बात <laughs> वो और वो करेंगे होपली सारे टॉपिक्स इतने ज़रूरी है कि उनके ऊपर बात करना भी बहुत ज़रूरी है और एक चीज़ जो होप की बात आप दोनों ने की कि जो यंग लोग हैं उनसे मुझे भी बहुत होप है मुझे लगता है कि वो कैसे दुनिया में उन लोगों ने आँख खोली है जहाँ पे वो पूरी दुनिया के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं यानी वो पूरी दुनिया में डाइवर्सिटी भी देख रहे हैं वहाँ की इंक्लूसिवनेस को भी देख रहे हैं उनके पास चॉइस है कि जो उनको रियासत दिखा रही है या उनको पढ़ाना चाहती है दे कैन यू नो वहाँ से वो अपने लिए सोशल मीडिया पे उनके डिफरेंट जो इंटरनेट का एक्सेस है दे कैन चूज़ कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए मुझे तो ये दुनिया में तो ये चीज़ सिखाई जा रही है तो ये मुझे एक बड़ा इसके अंदर एक होप नज़र आती है कि जो एक ऐसा टूल हमारे पास आ गया है पा पाकिस्तान में उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता खैर कोशिश करते रहते हैं उसको भी कंट्रोल करने की लेकिन आ, यू नो उसमें मुझे लगता है कि यंग जनरेशन के पास वो चॉइस है जो शायद हमारी जनरेशन के पास नहीं थी आपकी जनरेशन के पास नहीं थी उससे लगता है कि शायद कुछ चीज़ें बेहतर हो सकती है रियासत के लेवल पे शायद ना हो लेकिन एक जनरेशन अपने राह के तयन के लिए या फिर अपनी एजुकेशन के लिए शायद उनके पास कुछ थोड़े से चॉइसेस मौजूद हैं और मेरे ख्याल इसके साथ ही आप लोगों ने सारी बातें कर ली है और मुझे एक्स्ट्रा इसमें कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है आ, थैंक्स अगेन और मैं होप करती हूँ कि दोबारा से हम इसी तरह से बैठें और मजीद जरूरी टॉपिक्स के ऊपर हम डिस्कशन बहुत शुक्रिया बहुत so शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया खुदा